हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है डे 17 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज का। तो गाइस सर, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं आर्म रेसलिंग सिमुलेटर, वो भी रोब्लॉक्स के अंदर। तो गाइस सर, इसमें हमें लड़ाना पड़ता है पंजा यहाँ पर खतरनाक लोगों से। ये स्टार्टर जो कि बुली, ये है मीडियम, ये हार्ड एक्सट्रीम फाइनल बॉस। हम इन सबको हराना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें अपनी हाथ की पावर यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर डंबल मार मार के अपनी हाथ की पावर यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। मेरी अभी स्ट्रेंथ देख सकते हो 39, 42, मुझे अगर 115 स्ट्रेंथ चाहिए होगी अगर मुझे इससे पंचा लड़ाना है। तो फटाफट से अभी हम फुल स्पीड में यहाँ पर लगाने वाले हैं डंबल से, ताकि हमारी स्ट्रेंथ हो जाए और हम इस स्टार्टर वाले को हरा सके। और गाइस सर, अभी बस हम यहाँ पर पहुंचने वाले, थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे ताकि हम इसको आराम से हरा सके और इसके पास जाकर फटाफट से इससे पंच लड़ाते। 3, 2, 1 गो। मैं जीतूंगा। और ये मैंने इसको हरा दिया। तो गाइस सर, यहां पर अपन ने जीत लिया ये अपना सबसे पहला राउंड। तो गाइस सर, ये तो था स्टार्टर, ये सबसे ज्यादा इजी था और हमने इसको यहाँ पर हरा भी दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टीचर भी है जो कि मीडियम पर है। इसके लिए हमें चाहिए 800 स्ट्रेंथ और अभी हमारी सिर्फ 200 है। तो हमें जाना चाहिए यहाँ पर और हम उठाएंगे यहाँ पर डंबल्स 2 किलो के। इनको उठाते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं ताकि अपनी पावर को हम यहाँ पर बढ़ा सके। और गाइस सर, आप यहाँ पर देख सकते हो कितने बड़े बड़े डंबल्स है। अगर इनको उठाने तो 50,000 स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर चाहिए होगी, पर अभी मेरी फिलहाल तो सिर्फ 300 ही है। तो इसको फटाफट से बढ़ाते रहते हैं। और यहां पर क्या चल रहा है, पंच। लेट्स गो, पंच भी करके देखते हैं। भिशु, 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 नकल स्ट्रेंथ। तो गाइस सर, मेरी यहाँ पर नकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ सकती है। इधर आके करेंगे? नहीं, इधर नहीं कर सकते। अभी हमको इस पे करना पड़ेगा। बूम 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 बूम, हमारी नकल स्ट्रेंथ यहाँ पर फुल स्पीड में बढ़ती जा रही है। हमें यहाँ पर अपने बाइसेप, हैंड स्ट्रेंथ और नकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाइसेप की तरफ चलते वापस। 3 किलो का यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। फटाफट से इसको उठाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हो बाइसेप पावर हमारी हो चुकी है 400 और हमारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 600 पहुंच चुकी है। तो फटाफट से बढ़ाते चाहते हमें अपनी स्ट्रेंथ 800 करनी है ताकि हम इस टीचर को हरा सके। तो बाइसेप की पावर को पहले 1000 करते हैं, फिर बाकी देखेंगे। आप देख सकते हो मैं कितनी जल्दी जल्दी इसको बढ़ाता जा रहा हूँ। 800 पर पहुंच चुके। अब इसको 1000 पर लेके जाते बाइसेप पावर को। आते जाओ 900 पर हम पहुंच चुके। इसको हम पूरा का पूरा 1000 पे लेकर जाकर रोकेंगे। ओके, ये हो गया। अब हैंड स्ट्रेंथ की बारी। 1 किलो का ही उठा लेते हैं और इससे हैंड स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा सकते हैं। इसको मैं 100 लेकर जाने वाला हूं। अब ये 20 यहां पर हो चुकी है। फटाफट से इसको 100 तक लेकर जाते हैं। ज्यादा बड़ी वाली हैंड स्ट्रेंथ उठा पाऊंगा? यहां पर हो चुकी है, 2 किलो की अनलॉक हो चुकी है। फटाफट से इसको बढ़ाते हैं और 100 तक नहीं, 150 तक लेके जाते हैं। चलो फटाफट से जल्दी जल्दी करके इसको 150 तक लेकर जाएंगे। तो गाइस सर, जब तक मैं इसको 150 तक लेकर जा रहा हूं, आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम अपनी सारी की सारी पावर्स बढ़ा सके। और आप देख सकते हो 250 हम ऑलरेडी पहुंच चुके। 300 पर इसको रोक देंगे, फिर हम थोड़ी पंच करने की पावर बढ़ाएंगे। ओके, ये चला गया। चलो अभी हम यहां पर जाते हैं। क्या मैं इसको कर सकता हूं? ओके, 400 स्ट्रेंथ चाहिए मेरे पास है तो सही। चलो कोई बात नहीं, इसको ही मार लेते हैं। इसको नकल स्ट्रेंथ को हमें 400 तक पहुंचाना पड़ेगा अगर हमें अगले पंच पर जाना है। तो फटाफट से इसको 400 तक पहुंचाते हैं, फिर जाके हम उस टीचर से लड़ने वाले, उससे पंचा लड़ाएंगे और उससे भी जीत के दिखाएंगे। पर गाइस, टीचर हमारा मेन गोल नहीं है, हमारा मेन गोल तो वो बॉस है। ओके, ये भी अनलॉक हो चुका है। फटाफट से डिशु 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 मारते जाएंगे। अगला अनलॉक करने के लिए मुझे 3000 चाहिए और मैं इसको 1000 पे यहाँ पर रोकने वाला हूँ। बाइसेप पावर हमारी 1000 हो चुकी है, नकल स्ट्रेंथ को हम 1000 करने वाले। एक काम करते हैं, हैंड स्ट्रेंथ को भी इसके बाद बढ़ा ही लेंगे 1000 तक। तो अभी फटाफट से इसको मारते जाते हैं और ये 3, 2, 1 डन। 1000 यहाँ पर हो चुका है। अभी हम जाएंगे हैंड स्ट्रेंथ पे और हम यहाँ पर लेंगे 3 किलो वाला। फटाफट से शुरू करते हैं। 300 यहाँ पर हो चुका है। अब ये 4 किलो का भी अनलॉक हो चुका है। इसके साथ करेंगे जल्दी जल्दी और इसको लेकर जाएंगे 1000 तक। उसके बाद जाके हम उस टीचर को हराने वाले। और अगर मुझे जिम रेट को यानी हार्ड लेवल को हराना है तो मुझे 5.7 की चाहिए होगी। तो अभी मेरी 2.6 के तो यहाँ पर हो चुकी है। आराम से घूमते घूमते इसको बढ़ाते जाते, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 तक हम बस पहुंचने वाले हैं। अगर हमने जिम रेट यानी हार्ड लेवल को हरा दिया तो हमारी विजार्ड इवेंट भी यहाँ पर खुल जाएगा, जहां पर हम और भी स्ट्रेंथ जल्दी जल्दी बढ़ा पाएंगे। तो 900 तो हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम सीधा जाने वाले हैं उस टीचर से लड़ने और उसको बताते हैं कि हम कितने ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर 1000 हो चुके, फटाफट से चलते फाइट करते हैं। 3
2, 1, क्लिक 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 क्लिक। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैंने इसको कितनी जल्दी हरा दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी। अब बारी है इस हार्ड लेवल वाले की जिसके लिए हमें चाहिए, ए रुको इससे ऐसी लड़की देखते हैं क्या मैं इसको ऐसे ही हरा सकता हूँ। आओ पता करते हैं। टैप 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 टैप। नहीं 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 नहीं। अरे यार इसने तो मुझे हरा दिया। इसको हराना थोड़ा मुश्किल है, तो सोचो इसको मुश्किल है तो ये चैंपियन को हराना कितना मुश्किल होगा। इसके साथ भी करके देखते हैं। चलो 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 टैप 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 टैप। और ये क्या मुझे एक ही सेकंड में हार गया। वो तो पता ही था अब ये इतना बड़ा चैंपियन है, इसके लिए मुझे 5 लाख स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, अभी फटाफट से जिम रेड के लिए अपन तैयारी करते हैं। सबसे पहले जाएंगे अपन बाइसेप के पास और अपनी बाइसेप बढ़ाने वाले 4 किलो के डंबल के साथ। फटाफट से इसको बढ़ाते जाते हैं। इसको हम लेके जाएंगे 2000 तक। सारी की सारी में 2000 तक लेके जाने वाला हूँ और 3000 पे ये अनलॉक होने वाला है जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। हमारा 2.5K पे और डंबल्स अनलॉक होने वाले। तो फटाफट से घूमते घूमते इसको यहाँ पर करते जाते हैं। डंबल कल हम यहाँ पर करते रहेंगे। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो VIP लोगों के लिए यहाँ पर एक और खतरनाक से पड़ा है। इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा इनको, मैं फ्री में खेलूंगा गेम। तो फटाफट से यहाँ पर फुल स्पीड में करते जाते 2K पे हम ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचने वाले 22 पावर के साथ। मैं इसको 2.5 के लेके जाऊंगा ताकि मेरा अगला डंबल भी यहाँ पर खुल जाए। और ये कौन है, इसकी स्ट्रेंथ है 617। अबे मैं देर से बहुत ही ज्यादा आगे हूँ। तो चलो 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 फटाफट से चलते जाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो मेरी नॉर्मल स्ट्रेंथ यहाँ पर 4.5 की हो चुकी है। ओके ये यहाँ पर हो चुका है। अभी हम यहाँ पर जाएंगे और हमारा 5 किलो का डंबल भी यहाँ पर खुल चुका है। इससे हम इसको 3K बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी 3K कर लेते हैं, फिर हैंड स्ट्रेंथ की तरफ हम जाने वाले, उनको भी बढ़ाएंगे और ये 3K होने वाली है। और ये डन, अभी हम जाएंगे यहाँ पर 5 किलो का डंबल उठाएंगे, 5 किलो की ये मशीन उठाएंगे जो भी हैंड स्ट्रेंथ इससे हम बढ़ाने वाले अपनी बहुत ही ज्यादा कर देंगे। अगला अनलॉक कितने होगा, 1.5K पे। तो लेट्स गो, जल्दी जल्दी बढ़ाते अपनी हैंड स्ट्रेंथ। उसके बाद हम लड़ने जाने वाले जिम रेड से। मेरी 5.3 की हो चुकी है और 5.7 के मुझे चाहिए और ये 5.4 हो गई। ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पर होती जा रही है। 1.5 की हो चुका और 10 किलो की मशीन हमने उठा ली है जिससे हम और भी जल्दी जल्दी करने वाले हैं। इसको 3K तक मैं लेके जाने वाला हूँ। लेट्स गो, बिना रुके इसको लेकर जाते 3K तक ताकि हम उन सभी जनों को हरा सके। और गाइस इसके बाद नकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है वो मत भूल जाना। सबसे पहले हैंड स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो गाइस अगर आपको मेरे साथ ये गेम खेलना है तो फटाफट से कमेंट करके बता देना, हम सब साथ में खेलेंगे लाइव स्ट्रीम पर। तो फटाफट से कमेंट करके बता देना अगर आप चाहते हो कि हम ये गेम खेलें डिफीट चैंपियन। अगर हमने चैंपियन को हरा दिया तो हम स्कूल से एस्केप कर सकते हैं। ये स्कूल है क्या, मुझे तो पता भी नहीं था। तो हमें इस स्कूल से एस्केप करना है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे लोग है। फर्स्ट पर है ब्रैड जिसका है 15.8 मिलियन। ये तो बहुत ही ज्यादा है, 15.8 मिलियन। और हमारी हैंड स्ट्रेंथ यहाँ पर हो चुकी है 3K तक हम पहुंच चुके। अभी हम जाएंगे अपनी नकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर जाएंगे और इसपे फुल स्पीड में पंच मारते जाएंगे। डिशुम 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 डिशुम। इसको हमें 3K तक लेकर जाना है। फटाफट से डिशुम डिशुम करते जाते हैं और इसको मारते जाते हैं। बूम 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 बूम। एक सेकंड, इसको तो मैं बाद में बढ़ा सकता हूँ। अभी हम जाने वाले हार्ड लेवल को बीट करने। अभी आप यहाँ पे देखो ये जिम रेट है जिससे हम करेंगे फाइट। 3, 2, 1, लेट्स गो। मैं जीतूंगा। इससे फाइट करना थोड़ा सा हार्ड है पर गाइजर मेरे लिए कुछ भी हार्ड यहाँ पर होने नहीं वाला। इसको मैं आराम से हरा दूंगा। चीचा। और ये जीत गया। तो गाइजर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। हार्ड लेवल को भी हमने बीट कर दिया है। तो गाइजर अभी मुझे यहाँ पर दो पैट भी मिल चुके हैं, एक है मिथिक और एक है एपिक। तो ये मिथिक वाला बढ़िया लग रहा है, इसको फटाफट से लेके देखते हैं। और ये देखो दो पैट मेरे पास आ चुके हैं। अबे मुझे किसी के साथ ट्रेड नहीं करनी। आप देख सकते हैं ये दोनों पेट मेरे साथ साथ घूमने वाले हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इनके साथ हम घूमेंगे और मजे करेंगे। अभी यहाँ पर अपना हाथ भी चेंज कर सकते हैं कहीं ना कहीं से। तो गाइसर इन अंकल के पास देख सकते हो कितने सारे पेट हैं, 4 1 2 3 4 4 पेट हैं इनके पास। रुक जाओ मुझे इसको एक और बार बीट करना है। पहली बार में मैं खुश नहीं हुआ, इसको एक और बार बीट करके देखते हैं ज्यादा पैसा वैसा मिलता है। फटाफट से जल्दी जल्दी बीट करते हैं। इस बार मैं बहुत ही जल्दी बीट करने वाला हूँ। 3, 2, 1 बूम। और हमने यहाँ पर इसको बीट कर दिया। 25 ट्रॉफीज मुझे मिल चुकी है। ओके ट्रॉफी मुझे लगता है कुछ काम की होगी। यहाँ पर स्पिन हमें मिल रुकी है, इसको स्पिन करके देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। आजा 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 आजा। और ये क्या
हमें यहाँ पर 100 ट्रॉफीज और मिल चुकी है। हमें ट्रॉफी का मैं करूंगा क्या, मुझे तो पता नहीं। एक और स्पिन है हमारे पास यहाँ पर, इसको भी कर देखते हैं। हमें यहाँ पर और 100 ट्रॉफीज मिल गई, इनका करना क्या है मुझे सही में नहीं पता। एक और स्पिन कर लेते, 2 स्पिन मेरे पास और है तो इनको भी कर देते, देखते हैं क्या होने वाला है। और हमें यहाँ पर मिला ये क्या चीज है, और हमें यहाँ पर लगता है एक और पेट मिल चुका है। रुक जाओ, एक लास्ट स्पिन बचा है, इसको भी फटाफट से करते, एक पेट और देते तो मजा आ जाएगा। और ये एक और पेट, अबे सेम से पेट दे दिया, विन पोशन, ओके ये भी अच्छा है। तो स्पिन मेरी यहाँ पर खत्म हो चुकी है और हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल चुकी है। तो अभी हम जाएंगे पेट्स में, इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर इक्विक आइटम्स। हमारे पास है पोशन, विन पोशन अभी ले लिया है, हेड सबको नहीं करनी। रुक जाओ, मुझे लगता है विन पोशन से हम जीत सकते हैं, इससे फाइट करके देखता हूँ क्या मैं जीत सकता हूँ इससे, आओ पता करते हैं। बूम बूम बूम, सॉरी भैया सॉरी, मैं यहाँ पर इससे तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। ये अंकल कौन है, हेलो अंकल कैसे हो। अभी यहाँ पर अपने फटाफट से चाहते हैं हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ को लेकर जाना है 47 के तक माफिया बॉस को हराने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी करके दिखाएंगे। अभी फिलहाल इसको 3 के तक लेके जाते हैं। 22 से पावर 1 मिलियन, ये कैसे हो गया। मुझे लगता है वो ट्रॉफीज और ये सब चीजें मिली थी ना, उससे हमारी पावर यहाँ पर बढ़ चुकी है। इसका मतलब मैं इसको भी उठा सकता, ये तो बहुत ही खतरनाक है। एक बारी में 3 मिलियन, चलो 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 इसको हम करेंगे 4 मिलियन। आ जाओ कैसर, मेरी बाइसेप पावर तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है और मेरी टोटल स्ट्रेंथ 5 मिलियन हो चुकी है। और एक कैसर, यहाँ से तो हम पक्का आज ही एस्केप करके रहेंगे, सीधा जाकर बॉस से लड़ते हैं। आ जाओ बॉस, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। बूम 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 बूम, और कैसर मैं तो जीत गया, मैं तो एक खतरनाक सी फाइट यहाँ पर जीत चुका हूँ। हमने चैंपियन को हरा दिया, मतलब हम यहाँ से जा सकते हैं। You need 15k trophies. Okay, मुझे trophies ज़्यादा चाहिए होगी अगर मुझे इसको हराना है तो। पर कैसर, हमारा wizard event यहाँ पर खुल चुका है, हम वहाँ पर जाने वाले। Let's go, फटाफट से चलते हैं। मुझे लगता है उस wheel में हमें इतनी सारी power मिल चुकी है, 6 million strength मेरे यहाँ पर हो चुकी है और bicep की power भी 6 million हो चुकी है। यहाँ पर क्या है इसको देनी चाहिए। और यहाँ पर ये लोग कौन है, इन सबसे भी हम थोड़ा पंजा लड़ा सकते हैं। सबसे पहले इससे लड़ाएंगे, चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसको आराम से मैंने हरा दिया। अब अंकल आपकी बारी। ओ ये तो दीदी है, पता नहीं कौन है, चलो फटाफट से इसमें लड़ाते हैं। 1 2 3 1 2 3, ओके ये थोड़ा मुश्किल था। 3 बिलियन, इसको हराने के लिए हमें 3 बिलियन पावर चाहिए और मेरी अभी 6 मिलियन है सिर्फ। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होने वाला है। ये कौन सा पार्कोर बना रखा है, कहाँ जाना है इधर से, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पर गाइसर, अगर हमें इनको हराना है तो हमें चाहिए होगी 3 बिलियन, और वो लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी फटाफट से यहाँ पर देखते हैं, लगता है एक और पेट यहाँ पर मिल चुका है, कुछ ना कुछ तो मिला है। और गाइसर यहाँ पर मुझे ट्रेड रिक्वेस्ट आ चुकी है और ये चली गई। और गाइस सर यहां पर अभी एक और व्हील स्पिन करने का ऑप्शन आ चुका है। यू हैव 1 दो ना, तो फिर स्पिन करो, स्पिन 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 नहीं कर सकते, पैसे देने पड़ेंगे। एक तो हर चीज में पैसे मांगते रहते हैं। अभी अपन जाएंगे, अभी क्लेम गिफ्ट का ऑप्शन आ चुका है, लकी पोशन मुझे यहां पर मिल चुका है। और गाइस सर यहां पर अभी एक और ट्रेड रिक्वेस्ट आ चुकी है, इसमें जाएंगे हम ट्रेड में, देखते हैं इसको क्या ट्रेड करनी है हमारे साथ, हम इसको दे सकते हैं। ये चाहिए क्या चाचा, ओके ये हमसे ये देने वाला है लेजेंडरी गैलेक्सी एलियन ओ विच कैट, सबका सब दे देगा क्या, और ये कैंसिल ही कर दी इसने। तो हम यहाँ पर अपने पेट्स को आपस में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर पैरेट, ये क्या चीज है पता नहीं। और कैसे यहाँ पर हमें एक डॉग भी मिल चुका है, मैंने पता नहीं यहाँ पर कौन सा बटन दबाया, कुछ तो दबाया पर यहाँ पर हो चुका है ये। इसको क्या है, बार 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 ट्रेड करनी है इसको। अब मेरे पास बहुत सारी खतरनाक चीजें, मैं इसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती। ये मेरे पास 5000 है क्या, रुक जा कुछ ना कुछ तो है, मुझे नहीं करनी कोई ट्रेड व्रेड। पर हमारे पास अभी एक पेट और आ चुका है तो इसको भी इक्विप कर लेंगे, इक्विप हो जाए। और कैसे यहाँ पर हमारे पास एक और स्पिन अभी आ चुकी है, फटाफट से स्पिन को खत्म करते हैं और फिर देखते क्या हमें मिलने वाला है। आजा 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 आजा, ये क्या है, मीडियम विन पैक, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ट्रॉफीज चाहिए बहुत सारी। पर कोई बात नहीं गाइसर, हमने आज इस बुली को हरा दिया, टीचर को हरा दिया, जिम रैट को हरा दिया, माफिया बॉस को नहीं हराया ना मैंने। रुक जाओ अब इसको भी हरा देते हैं, वैसे तो मैंने डायरेक्ट इनके बॉस को हरा दिया था और ये भी खत्म हो गया। चैंपियन को हमने हरा दिया था तो सब जनों को मतलब मैंने यहाँ पर हरा दिया है। और गाइसर एक जना यहाँ पर है जिसकी स्ट्रेंथ है 39 बिलियन, उधर तक भी हम कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। पर गाइसर आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, आज हमने 5 जनों को यहाँ पर हरा दिया, अगली बार उधर जाकर भी हराएंगे। पर गाइसर ये था हमारा डे 17 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज का। अगला गेम हम कौन सा खेले फटाफट से कमेंट करके बता देना। और गाइसर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।